गया दलिया का पानी। आज मैं बना रही थी दलिया और इसके अंदर थोड़ा सा डाल दूंगी घी ताकि ये ऊपर से ना लगे, निकले नहीं, लगेगा। और थोड़ा सा घी डाल दिया था मैंने, इस शुरू किया ना पानी डाल के गैस के ऊपर रखना, तो इसके ऊपर नीचे डाल दिया और यहाँ लगा दूंगे किनारों से। और ये बाहर नहीं निकले थे ऐसे दलिया डालने के बाद, और अच्छा सा उबाल इसके अंदर आ जाएगा पानी का, फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये दलिया। अच्छा सा 3-4 बार धो के और फिर साफ पानी में मैंने इसको भिगो दिया है, और फिर इस पानी के समय ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर। कुछ ऐसे बनाते हैं ऐसे, तो जैसे इसको साफ करके वैसे और इसके अंदर डाल दें, और फिर छलनी से ऊपर ऊपर जो आते हैं ना गेहूँ के थोड़े से, वो फिर छलनी से ऊपर ऊपर से उतार देती हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती, मैं इसको पहले जैसे दाल चावल कुछ भी बनाते हैं तो भिगो देते हैं, मैं उसी तरह इसको भिगो देती हूँ 5 मिनट पहले बस। 5 तो क्या, तब तक पानी में उबाल आएगा तब तक। और बाहर चला रखे चक्की, और इसीलिए मैंने दलिया बनाया था, क्योंकि चक्की चलाती हूँ तो फिर 1.5-2 घंटे वहाँ पे मेरे को लगी जाते हैं। तो शाम को सब्जी रोटी की जरूरत नहीं, दलिया बना लिया। और आज बना रही हूँ मैं राबड़ी, रबड़ी रबड़ी होती है जो मतलब केक वेक बनाते हैं या कुछ ब्रेड की कोई भी डिश बनाते हैं उसमें जो बनती है दूध की, वो होती है रबड़ी। और मैं बना रही हूँ राबड़ी, राबड़ी जो गाँव में बनाते हैं ना वो वाली। डालती हूँ नमक, अगर कम हुआ तो फिर बाद में डल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो फिर बाद में डलेगा नहीं, और बस सुनते ही रहेंगे तब तक, सब खाएंगे तब तक। हाँ तो मैं बता रही थी, मैं बना रही थी राबड़ी, तो जो खट्टा डलता वो डाल के मैं ऊपर रखाई, और खट्टा कैसे डलता ये मैंने आपको नहीं दिखाया। वो सीत में थोड़ा सा गेहूँ का आटा लेके, और जिस तरह से हम कढ़ी का घोल तैयार करते हैं ना उसी तरह से ही गेहूँ का आटा डाल के उसके अंदर नमक डाल दिया, और रई से अच्छे से बिलो के फिर उसके अंदर डाल दिया मैंने 2 से 2.5 गिलास पानी, और उसको रख दिया मैंने छत पे धूप में, तब तक वो खट्टा उठ जाएगा ना धूप में रखे रखे। और शाम को फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे हम जब राबड़ी माँ बनाती है तो फिर वो बाजरे का चून में बनाती है, वो भी अच्छी बनती है, लेकिन उसको है ना शाम को दूध में नहीं खा सकते, और मैं खाती हूँ दूध में, क्योंकि मेरे मायके में भी शाम को दूध में मिला के खाते हैं, क्योंकि वो फिर गेहूँ की राबड़ी बनाते हैं, लेकिन यहाँ बनाते हैं बाजरे की, तो उसको दूध में डालते तो वो फटी फटी सी हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया राबड़ी अपने स्वाद के लिए, क्योंकि फिर हर मैं नहीं खा पाती बाजरे की राबड़ी होती है, तो उसको मैं कुछ शाम को दूध के साथ पी लूँगी, और कुछ मैं फिर सुबह लस्सी मिला के रख देंगे, क्योंकि अब इस टाइम में लस्सी बहुत कम मिलती है, मिलती है तो वो बिल्कुल पतली यानी कि पानी ज़्यादा ही होता है, तो वैसे उसके अंदर कुछ राबड़ी मिला लेंगे तो थोड़ा टेस्ट आ जाएगा उसका। तो वो रखिए अभी छत के ऊपर, यहाँ पर दलिए की तैयारी चल रही है, बाहर चल रही है चक्की, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, जब मैं राबड़ी को बनाऊंगी ना उस टाइम दिखाती हूँ आपको। और बस एक बार मैं ये डाल देती हूँ इसके अंदर पानी में उबाल आ चुका है अच्छे से, थोड़ी देर इस पर चलाती रहूँगी मैं लगातार, ताकि ये अच्छे से खदकने ना लग जाए ऊपर की तरफ।
बस फिर इसको मैं छोड़ दूंगी ढक के एक साइड से, थोड़ा सा गैस कर दूंगी मैं सिम पे। अभी तो फुल ही चल रहा है ताकि जल्दी से पुराना शुरू हो जाए। तैयार, शक्कर के साथ, खांड के साथ, घी के साथ, दूध के साथ, तो अब शाम को चलेगा। और अगर सुबह बच जाएगा तो पिंटू खाएगी, और हमारे घर कोई नहीं खाएगा, पिंटू खाएगी दही के साथ। हाँ एक बार आप ना गाँव के देखते, यीशु बोल रही दादी बोल रही चून मोटा तो नहीं है, बोल देती है जल्दी की मारी जब मोटा करके रख देती है। हाँ ठीक है, देखा था और डाल दिया उसके अंदर, क्यों खदकना शुरू चुका है। दलिया धीरे धीरे बनता रहेगा, मैं चलती हूँ चक्की के पास और फिर बनाऊंगी राबड़ी, वो आपको मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मैं लगी थी दलिया को छानने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना लिया था मैंने, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी में थोड़ा सा दलिया खिचड़ी अच्छे ही लगते हैं, तो बना लेती हूँ। अब तक 10 दिन के में एक बार तो मैं तो इसको छान के और डिब्बे में बंद करके रख दूँगी इसको, चक्की चलती रहेगी। और इधर देखिए दलिया मेरा बनने ही वाला है, बीच बीच में इसको हिलाती रहूँगी माँ के, वरना ये नीचे भी लग जाएगा। और इधर कर ली थी राबड़ी बनाने की तैयारी, तो जो खट्टा डाल के मैंने रखा था उसके ऊपर ऊपर जो पानी आ जाता है, क्योंकि पानी 2 गिलास के करीब मैंने डाला था इसके अंदर, और जो ऊपर ऊपर आ जाता है ना थोड़ी देर धूप में रखने के बाद, उसको मैं पहले छान के और उसका एक उबाल आने तक उसको ढक के रख दूँगी। और ये नीचे नीचे का बच गया था जिसके अंदर जो आटा वगैरह मिला रखा था वो, इसको यहाँ पे कर दूंगी मैं चेंज बड़े गैस के ऊपर, क्योंकि चक्की चल रही थी तो बार बार मेरे को बाहर जाना पड़ रहा था, क्योंकि जो ड्रम था आटे का वो ऊपर तक भर चुका था। तो जल्दी के मारी मैं फिर यही सोचा कि चलो बड़े गैस के ऊपर रख देते हैं, जल्दी से हो जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर उबाल अच्छे से इसमें आ गया था, तो फिर इसके अंदर मैंने इसको हिला के नीचे वाले जो बच गया था उसको और फिर इसके अंदर डाल दूँगी। और अब जब तक उबाल ना आना शुरू हो जाए इसको चलाती रहूँगी, बहुत जल्दी बन जाती है, बस 5 से 7 मिनट के अंदर ही। और यहाँ पे देखिए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं मेरी रबड़ी को बनते हुए, तो ये बन के तैयार हो चुकी है। इसको रख दूँगी ढक के और कर दूँगी गैस को बंद। और चून भी मेरा पिस चुका था, तो यहाँ पे देखिए इसकी मस्ती का टाइम शुरू हो चुका है, शाम हो चुकी थी, सब ने खाना वगैरह खा लिया था। सामने दलिए का बर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा खाली करके, और उसको पानी का भर के रख दिया। तो इसको मैं साफ़ करूँगी सुबह, क्योंकि नीचे कितनी भी कोशिश क्यों ना करें लेकिन जम ही जाती है थोड़ी बहुत, तो पूरी रात तक थोड़ा सा अच्छे से ठीक हो जाएगी, फिर आसानी से ही उतर जाएगी। और इसको बाहर जाना होता है इस टाइम देखिए, तो आधा पौना घंटा शाम को हम इसके साथ लगा ही लेते हैं, खेल लेते हैं इसको, लेकिन इस टाइम इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस यही है कि जल्दी से बेल उठा और गेट खोलो और मेरे को बाहर लेके चल। देखिए वरना बॉल से बहुत ज़्यादा खेलता है ये, लेकिन इस टाइम इसको कुछ अच्छा नहीं लगता। बस दस बज चुके हैं और अब समय हो चुका है सुबह का। सुबह की चाय चढ़ा दी थी, एक साइड में चढ़ा दिया था पानी गर्म, क्योंकि ये पीते हैं सुबह पानी गर्म, और सर्दी में तो ये लेते ही लेते हैं, लेकिन अब गर्मी के मौसम में वही है ना, कोरोना से डर इतना लगता है कोरोना से कि बस पूछो ही मत, गर्म पानी पीते हैं। और अच्छा पीना चाहिए अगर किसी को अच्छा लगता हो, और मुझे होती है दिक्कत इससे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अगर मैं थोड़ा सा भी हल्का भी गुनगुना पानी पीती हूँ तो मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो मैं नहीं पी पाती, हल्का गुनगुना भी नहीं पीती, लेकिन ये ठीक ठाक सा गर्म पानी पी लेते हैं। तो इनको पानी देने के बाद यहाँ पे रख दिए 2 कप, हम दोनों की चाय बना रही थी मैं, और चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे आ गया था गेट के ऊपर ही मेरे सब्जी वाला, तो सब्जी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, सब्जी तो कुछ थी 1-2 दिन की तो,
लेकिन अदरक मेरी ख़त्म हो चुकी थी, अदरक के बगैर चाय फिर अच्छी नहीं लगती, तो अदरक लेनी थी। तो फिर बस ये देखिए पेठा था, अच्छा था थोड़ा सा, और खरबूजे ख़त्म हो चुके थे क्योंकि खरबूजे कुछ दिन से शुरू कर रखे थे, तो वही एक चीज़ खाने लग जाते थे फिर उसकी थोड़ी सी आदत सी लग जाती है। और गर्मी के मौसम में खरबूजे तरबूज हैं अच्छे, तो खाने भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी 4 किलो के करीब थे, वो 100 रुपये का दे रहा था, वैसे तो बोल रहा था 120 रुपये के 4 किलो, लेकिन 100 के दे दिए थे। और कुछ थी भिंडी बिल्कुल कच्ची, बहुत अच्छी थी, ये भी थोड़ी सी थी तो महंगी, 40 रुपये की 1 किलो, तो मैं आधा किलो ही लेके आई थी। तो इनको धो के और यहाँ पे टोकरी में डाल के रख दूँगी। और वैसे लौकी बची हुई थी, शिमला मिर्च भी थी, आलू भी बचे हुए थे, तो अब सब्जी मैं बनाऊँगी लौकी की। लौकी मैंने निकाल के रख दी थी, और सब्जी धोते धोते इसी बीच आ गई थी कूड़े वाले की गाड़ी, फिर वो कूड़ा डालने चली गई थी, बीच में इसको छोड़ दिया था। और ये सब निपटाने के बाद यहाँ पे फिर मैंने चढ़ा दिया था कुकर, सब्जी बना रही थी मैं, एक प्याज और एक टमाटर काट के रख लिया था, कुकर में डाल दिया था थोड़ा सा घी, और घी गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और फिर वही अपनी पुरानी आदत, सारे मसाले जो मैंने इसके अंदर डालने हैं सब्जी के अंदर, वो इकट्ठा कर लूँगी एक डिब्बी के अंदर। और तब तक मेरा जीरा चटकने लग गया था, फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे प्याज, और फिर इसको लगातार हिलाती रहूँगी। और प्याज हल्के से ब्राउन होने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए थे टमाटर, जिनको कि बारीक बारीक से कट करके रखा हुआ था, और फिर इसके अंदर डाल दूँगी जो मसाले इकट्ठे किए थे मैंने, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। तो बिल्कुल सिंपल सी सब्जी। और फिर इस मसाले जब तेल छोड़ना शुरू कर देगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो सब्जी काट के रखी हुई थी वो, और फिर पानी डाल दूँगी मैं अपने हिसाब से, क्योंकि सूखी सब्जी मैं नहीं बनाती। पानी डाल के कुकर को बंद करके रख दिया था, और इधर नीसू लग गई थी सरफ़ निकालने, क्योंकि सरफ़ ख़त्म हो चुका था, तो मैं इस बाल्टी में मिला के रख लेती हूँ टाइड और सर्फ एक्सल, तो इस तरह से दोनों तरह का यानी इक्वल इक्वल मात्रा में ये मिल जाते हैं। और फिर समय हो चुका था शाम की सब्जी का, सब्जी बना रही थी मैं भिंडी की, क्योंकि करेला रखा था, तो करेला की जितनी वो है ना, जितना करेले को पसंद करते हैं उससे ज़्यादा भिंडी को पसंद करते हैं, तो बोले नहीं आज भिंडी बनाओ, तो ये काट के रख दी थी। प्याज मैंने छोड़ दिया था, वो काट देगी नीसू, और सब्ज़ी भी नीसू ही बनाएगी। और मैं यहाँ पे लग गई थी प्रेस करने, प्रेस मैंने कल परसों बहुत ज़्यादा कपड़ों पर कर ली थी, क्योंकि परसों ही मैंने कपड़े धोए थे, और आज कपड़े धोए थे मैंने 2 या 3 जोड़े ही थे, और वो इसलिए क्योंकि मशीन मेरी ख़राब हो चुकी थी तो हाथ से धोने थे, और ये गए भी थे बाज़ार में, इसी बात के लिए मैंने ये भेजे भी थे कि अगर दुकान खुली हो तो फिर दिखाते हैं, क्योंकि हाथ से कपड़ा धोना महाभारत हो चुका है, पहले धोते थे तो आदत थी, लेकिन अब हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कम से कम आधा पौना घंटे पहले मैंने कपड़ों को भिगो दिया था सर्फ में, और फिर उनको धो के मैंने अब साथ साथ ही प्रेस करती जाऊंगी। लेकिन ये आ चुके थे, इन्होंने आके बता दिया था कि दुकान थी बंद, और जो उसकी जो बाहर उस पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था उसके ऊपर बात की, तो उन्होंने बताया कि तब तक लॉकडाउन है तब तक हम दुकान नहीं खोल सकते। तो अब देखते हैं कितना दिन ये चलेगा, कब तक हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे, और अब तो डेली ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वही इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हाथ से वैसे भी नहीं धो पाएंगे। तो एक एक काम छूटता जाता है, आदत ख़राब होती ही जाती है। और इसको भी बाहर जाना होता है, और यहाँ से मैंने निकलने नहीं दिया, तो देखिए गैलरी से फटाफट से बाहर आके रुका है, क्योंकि कोई बाहर जाता तो इसका फिर यही होता ना कि मैं जैसे अकेला कैसे छोड़ दिया।
और भारत जाने के लिए यहाँ पे कुलदीप को लगाया जा रहा है मक्खन, और इस तरह से मसाज करने में भी इसको बड़ा आनंद आता है। देखिए तो वहाँ पे किचन में कर रही थी निशु काम, निशु ने सब्जी बनानी शुरू कर दी थी, आटा लगा के रख देगी और बर्तन चाय वगैरह के मैंने साफ़ कर लिए थे, सब्जी काट के रख दी थी उसी टाइम, तो बस दोनों को काम हो जाएगा, मेरी यहाँ पे हो जाएगी प्रेस, किचन में बन जाएगा खाना और इनकी ऐसे ही मस्ती चलती रहेगी। और बस यही था व्लॉग मेरा आज का, क्या 2 दिन का वो मैंने बताई थी हकीकत, कोई परेशानी चल रही है कुछ दिनों से, तो बस यहीं पे कर देती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।